वेलकम दोस्तों, बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो कि इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश में 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है और वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में एक फिल्म एक्ट्रेस ने भी बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है। ये कानून जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC है, इससे उन्हीं के पार्टी के लीडर काफी नाखुश मालूम होते हैं बीजेपी पार्टी से और एक एक करके बीजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोलकाता में आज अमित शाह की रैली थी, जिस रैली में अमित शाह की काफी बेइज्जती हुई, जहां लोगों ने गो बैक के नारे लगाए और अमित शाह ने अपने बयान में ये भी कहा कि ममता बैनर्जी CAA को रोक नहीं पाएंगी। आगे खबर में बात करेंगे, यूरोप की 18 सिटीज ने दिल्ली वायलेंस पे आवाज उठाई है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, लोगों ने वहां कंडेम्ड किया है इस एक्ट को जो इंडिया में दिल्ली में हुआ 2 दिन पहले, जिसमें 40 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आगे खबर में बात करेंगे, मध्य प्रदेश के CM ने एक अजीब और गरीब कानून लागू किया है, जिस कानून के मुताबिक शराब खरीदने के लिए औरतों के लिए अलग दुकानों का बंदोबस्त किया गया है। जी हां, औरतों की शराब खरीदने की अलग दुकानें बनाए जाने का आदेश कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में दे रही है, जहां औरतों के लिए अलग दुकानें होंगी जहां से वो शराबों को खरीद सके। जहां लोगों को शराब पीने से रोकना चाहिए, वहीं ये सरकार लोगों को खुल खुल कर शराब की दावत दे रही है। अब तो हद भी पार हो गई है, जहां औरतों के लिए एक अलग दुकान का बंदोबस्त किया जा रहा है। आगे खबर जो अहम खबर है उसके बारे में बात करेंगे, जहां ये मालूम होता है कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडरों ने अमित शाह का रेजिग्नेशन मांगा है। 2 दिन पहले इस रेजिग्नेशन की बातें ट्विटर पे भी काफी ट्रेंडिंग पे चल रही थी, जहां लोग अमित शाह से रेजिग्नेशन मांग रहे। सोर्सेस के मुताबिक दिल्ली वायलेंस में काफी ज्यादा हाथ अमित शाह का बताया जा रहा है, क्योंकि उनके अंडर में पुलिस फोर्स तो लोग अपनी नाराजगी जता रहे और अमित शाह से रेजिग्नेशन मांग रहे, लेकिन अभी तक अमित शाह की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया। मालूम होता है आने वाले वक्त में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे और लोग रास्तों पे उनके कानून को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे और ऑपोजिशन उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे, मालूम होता है आने वाले वक्त में बीजेपी पार्टी को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय इन खबरों के मुताबिक, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।